की नारियल की चटनी। नारियल की चटनी इडली डोसा चिल्ला के साथ खाया जाता है। अगर ये ना हो तो नाश्ता अधूरा सा लगता है, तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम नारियल लिए हैं और इसका छिलका उतार लिए हैं, जो ब्राउन कलर का रहता है वो छिलका हम इसका उतार लिए हैं और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में हम काट लिए हैं। और 100 ग्राम मूंगफली है, ये बेक किया हुआ है। और 100 ग्राम चना है, ये भी बेक किया हुआ है और इसका छिलका हम उतार लिए हैं। और 3 हरा मिर्च लिए हैं और अदरक लिए हैं 2 इंच और स्वाद अनुसार हम नमक लिए हैं। हम 2 चम्मच उड़द दाल लिए हैं और इसे हम 4 घंटे के लिए पानी में भिंगो दिए थे और इसे छन्नी में छान लिए हैं। और करी पत्ती लिए हैं, मेरे पास फ्रेश करी पत्ती नहीं है, सूखा है। और 2 लाल मिर्च है और सरसों लिए हैं 1 टेबल स्पून और हींग लेंगे और सरसों तेल लेंगे। तो अब हम मिक्सी का जार लेंगे और इसमें ये जो कटा हुआ नारियल है इसे हम डाल देंगे और मूंगफली है इसे भी हम डाल देंगे और ये चना है इसे भी डाल देंगे और ये अदरक है इसे भी डाल देंगे और हरी मिर्च है इसे हम तोड़ लेंगे। और स्वाद अनुसार नमक है इसे भी हम डाल लेंगे और सबको डाल के हम इसे पीस लेंगे। अब हम ढक्कन को हटाएंगे। देखिए ये थोड़ा सा पीसने के बाद इसमें हम पानी को मिला देंगे और फिर हम ढक्कन लगा के इसे हम पीस लेंगे। अब हम इसे पीस के तैयार कर लिए हैं। अब हम ढक्कन को हटाएंगे और इसे हम बोल में रख देंगे। हम चटनी को पीस के तैयार कर लिए हैं। अब हम इसमें पानी मिलाएंगे और इसे मिक्स करेंगे। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर दिए। नारियल की चटनी में इस तरह का थिकनेस रहना चाहिए, ऐसे आपकी मर्जी। मोटा रखना चाहे तो मोटा रखें, पतला रखना चाहे तो पतला भी रख सकते हैं। हम एक तड़का पैन लेंगे और इसे हम चूल्हे पे चढ़ा दिए हैं गर्म होने के लिए। तो अब ये गर्म हो गया है, इसमें हम अब सरसों तेल डालेंगे। तेल थोड़ा अधिक ही डालेंगे। तेल अब गर्म हो गया है तो इसमें हम चुटकी भर हींग डालेंगे। और ये सरसों है और करी पत्ती है इसे भी हम डाल देंगे और ये लाल मिर्च है इसे भी डाल देंगे और ये उड़द का दाल है इसे भी डाल देंगे। अभी तैयार हो गया है, गैस को बंद कर देंगे। तड़के को हम नारियल की चटनी में डाल देंगे। हमारा नारियल की चटनी बनके तैयार है। ये बहुत ही अच्छा बना है, आप भी इसे बनाएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और सजेशन ज़रूर दें। प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।